हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोल है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो रेवोल्यूशन के फॉर्म यहाँ पर फिल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर पता ही होगा, फॉर्म तो फिल कर लिया लेकिन उसका एक प्रिंट आउट मिलता है। तो आपको कन्फ्यूज हो रहे हैं कि उसको क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटी जाके जमा कराना होगा, क्योंकि रेवोल्यूशन के फॉर्म में आपको पता था आज के 1-2 साल पहले से कंप्लीट वो फॉर्म आपको कॉलेज में जमा कराना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पर बात करते हैं कि क्या वो जमा कराना है अभी भी, क्या अभी भी जमा कराना है या नहीं कराना है, उसके बारे में पूरा आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपने अगर रेवोल्यूशन का फॉर्म या फिर अदरवाइज उसके अलावा, तो दोस्तों रेवोल्यूशन के फॉर्म अगर आपने फिल किया है तो दोस्तों क्या उसका फॉर्म आपको यहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी जाके जमा कराना होगा। साथ में आपको मार्कशीट भी जमा करानी होगी क्या, क्योंकि मार्कशीट भी जमा करानी होती थी फॉर्म के साथ साथ में। आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके कॉलेज में से लेके जानी पड़ती थी और उसे जमा करानी पड़ती थी। तो क्या आपको जमा करानी पड़ेगी अगर आप रेवोल्यूशन के फॉर्म लगाते हो तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर बता दूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि आपको जमा नहीं करानी होगी। केवल आपको जो भी है, आपको यानी रेवोल्यूशन का फॉर्म आपको फिल करने के बाद में जो प्रिंट आउट आपको मिले उसे आप संभाल कर रखिए, फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। लेकिन वो जमा नहीं होगा, आपके पास ही रखना है। और आपको किसी प्रकार की मार्कशीट भी आपको वहाँ पर सबमिट नहीं करनी होगी यूनिवर्सिटी में। तो अभी यहाँ पर बता दूँ, यही अपडेट है कि आप कन्फ्यूज ना हो कि जमा कराना है या नहीं कराना है। आपको जमा नहीं कराना है, क्लियर है। इसके अलावा जो भी आपकी है, जो भी अपडेट या फिर जो भी आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पूरा कंप्लीट आपको आंसर दूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा आपका कमेंट का। इसके साथ में मैंने क्लियर कर दिया कि आपको जमा नहीं करना होगा। आपकी जो भी मार्कशीट है, आपने भले ही सप्लीमेंट्री आए हो, ड्यू हो या नंबर कम हो, किसी भी कारणवश आप रेवोल्यूशन का फॉर्म आप फिल कर रहे हो, तो आपको वो फॉर्म सबमिट नहीं करना, वो सबमिट कर देना, लेकिन वहाँ पर जमा कराना नहीं है। तो क्लियर है, आपको समझ में सब कुछ आ चुका होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।